हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज बात करेंगे मिथुन दादा की फिल्म प्यार के नाम कुर्बान के बारे में, बात करेंगे इसके बजट और कलेक्शन के बारे में, बात करेंगे किस इसके अननोन फैक्ट्स यानी कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बजट और कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 10 लाख रुपये था और इसने 2 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई भारत में की थी और तकरीबन 3 करोड़ की कमाई विदेशों में की थी। और इस फिल्म को निर्देशित किया था उनके सबसे अच्छे मित्र और डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने। बब्बर सुभाष ने इससे पहले मिथुन दादा के साथ कई फिल्में बनाई हैं, जैसे कि डिस्को डांसर और कमांडो जैसी फिल्में, जो कि बम्पर हिट रही थी। अब हम बात करेंगे इसके कास्ट के बारे में। मिथुन दादा के साथ नज़र आई खूबसूरत अदाकारा डिम्पल कपाड़िया, मंदाकिनी, उनके साथ नज़र आए कमाल के अभिनेता डैनी, गुलशन ग्रोवर, असरानी, पेंटल और यूनिस परवेज जैसे कमाल के अभिनेता इस फिल्म में नजर आए। इस फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और इस फिल्म में टोटल 5 गाने थे। उन गानों ने काफ़ी धमाल मचाया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये फिल्म 5 जनवरी 1990 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, यानी अपनी लागत से लगभग 3 गुना ज़्यादा इस फिल्म ने पैसा कमा लिया था। दोस्तों, अब बात करेंगे इससे कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट्स नंबर 1 कि इस फिल्म को पहले श्रीदेवी ने साइन किया था, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। हालांकि उस समय श्रीदेवी के साथ मिथुन दादा की अनबन चल रही थी, तो उनकी जगह डिम्पल कपाड़िया को कास्ट किया गया। दूसरा फैक्ट्स ये है कि इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया और मंदाकिनी और मिथुन दादा तीनों एक साथ दूसरी फिल्म में नजर आए। इससे पहले वो लड़ाई नाम की फिल्म में नजर आए थे, जिसको बब्बर सुभाष ने ही बनाया था। तीसरा फैक्ट्स ये है कि इस फिल्म में हेमंत विर्जे ने भी काम किया था। चूँकि हेमंत विर्जे के साथ बब्बर सुभाष टार्जन जैसी फिल्म बना चुके थे, इसलिए उन्होंने इसमें गेस्ट अपेयरेंस किया था। लेकिन इसके बाद में जो वितरक थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कहा एक फिल्म में दो दो हैंडसम हीरो नहीं चलेंगे, तो इस कारण से उनको इस फिल्म से निकलना पड़ा था। अब बात करेंगे इसके चौथे फैक्ट्स के बारे में कि ये जब 1990 में आए थे तो उस साल मिथुन दादा की लगभग 10 फिल्में आई थी। जी हाँ दोस्तों, 10 फिल्में आई थी और उन्होंने उसमें से कुछ फिल्में हिट रही थी, कुछ फ्लॉप गई थी। पांचवा फैक्ट्स ये है कि मिथुन दादा की ये एक्शन वाली फिल्मों की कैटेगरी में एक बेहतरीन फिल्म मानी जाएगी, क्योंकि उस समय मिथुन दादा एक्शन फिल्में अधिकतर करने लगे थे। इससे पहले वो केवल रोमांटिक फिल्में करते थे। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।